मुझे कोई पांच काम बता दीजिए इनके कि इन्होंने देश के लिए पांच काम गिनाइए। वो पांच काम मांग रहे हैं, पांच काम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 बताइए, काम बताइए 1। सबसे पहला किसान निधि को आप देख लीजिए, 6,000 रुपए हर महीने जा रही है सीधे तौर पर। ठीक है, एक मिनट, पहला काम किसान सम्मान निधि, दूसरा काम, दूसरा शौचालय बनाने का काम जो स्वच्छ भारत के अंतर्गत था, गांव-गांव तक सम्मान बचाने का काम किया है। दूसरा काम शौचालय बनवा दिए हैं, करोड़ों शौचालय, बस कह रहे हैं आप। तीसरा काम अगर आप देखें तो धारा 370 हटाई, धारा 370 के साथ 3 तलाक उसने हटाया। एक मिनट, ये 3 और 4 गिना दिए, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक, क्यों नहीं है काम? विकास के काम क्यों नहीं है? अनुच्छेद 370 हट रहा है, देश के अंदर आतंकवाद घट रहा है, 3 तलाक से मुस्लिम महिला जो है वो सशक्त हो रही है। बताइए 370 के बाद आतंकवाद कहाँ कम हुआ? हमारे मिलिट्री के जवान दुगने मारे जा रहे हैं उसके बाद। दुगने तो नहीं मारे जा रहे सर, आंकड़े आपको पता नहीं है, आप अपने आप कहाँ से। पांचवा काम कश्मीर जी, अगर आप देखें तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर में गैस देने का काम। पांचवा काम उज्ज्वला योजना सर, उज्ज्वला योजना। आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते, किस वजह से? वो तो अब होगा, अदालत ने भी कह दिया है, अब तो होगा ना सर। वो काम की आप लोग चुनौती देते हैं, वो काम गिनाते हैं आप मानते नहीं, वो आंकड़ा देते हैं आप मानते नहीं, और वो अपने कामों से कहते हैं हम ईवीएम जो है ऐसे हैक करते हैं कि लोगों का दिल हैक हो जाता है, फिर आप लोग रोते रहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। देखिए मुरादाबाद में काम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब काम हुआ था, चाहे पीछे रामगंगा पुल हो, हर्बल पार्क हो, और सुन लो कटघर वाला डबल फाटक वाला पुल हो, ओवर ब्रिज हो, ये सारे काम अखिलेश यादव साहब ने किए। मुरादाबाद में काम नहीं हुए इनके टाइम में? नहीं, अखिलेश यादव साहब के काम इनके समय में नहीं हुए, हमारी सरकार जब थी तब काम हुए और नेताजी सरकार थी तब काम हुए हैं। तो मुरादाबाद के लिए कोई काम गिनाएंगे आप? वो कह रहे हैं मुरादाबाद में काम सिर्फ समाजवादी पार्टी सर। आप समझिए, जहां लाखों छात्र बहुत दिन से परेशान थे, विश्वविद्यालय खुलने जा रहा, खुल गया है, 50 करोड़ रुपए आवंटित हो गए। कौन सा? यही मुरादाबाद में। कौन सा विश्वविद्यालय खुल गया है? खुल गया यहां। कौन सा नाम बताइए यूनिवर्सिटी? रुहेलखंड विश्वविद्यालय से अलग होकर नाम नहीं रखा गया है, लेकिन उसकी जमीन यादव जी इधर आ जाइए, यादव जी इधर आइए। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुल गया, 50 जब खुल जाएगा हम बहुत सम्मान करेंगे। खुला नहीं है अभी? नहीं खुला अभी, जब खुल जाएगा बहुत सम्मान करेंगे। खुला या नहीं खुला? नहीं, 50 करोड़ रुपए आवंटित हो गए, जगह आवंटित। अच्छा, जगह आवंटित हो गई है, पैसा आवंटित हो गया, खुला नहीं है ना? खुलने जा रहा है। अभी तो आप कह रहे थे खुल गया सर। देखिए हमारा मतलब खुल गया यहाँ से, जो अभी जो सत्र शुरू, ठीक है इस, ये एक मिनट रुकिए ना, ये हो गया, कोई और काम मुरादाबाद के लिए? ये तो क्लियर हो गया कि पैसा दे दिया है आपने, अभी खुला नहीं है, खुलने जा रहा है, काम बताइए। केंद्र सरकार की ओर से जो सोनकपुर योजना का पुल बना है, जहाँ हजारों आदमी रोज परेशान रहते थे, वो किसने बनाया? पुल किसने बनाया? समाजवादी पार्टी सरकार का, हर्बल पार्क समाजवादी पार्टी सरकार का, और देखिए कटघर वाला पुल समाजवादी पार्टी, ये तो जनता बता देगी आपको सारे। मैं जनता के बीच चलते हैं, ठीक है, आराम से। आपका सवाल है, सवाल पूछना चाह रही हूँ बीजेपी से, मुरादाबाद के अंदर एक भी पुल, एक भी रोड कहीं पर, जो सोनापुर वाला पुल बंद हो रहा है, कुछ नहीं बना, कुछ सिवाय समाजवादी की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, हमारे नेताजी मुलायम सिंह ने। काम बताओ ना, नेताओं के नाम मत लो, काम बताओ। काम जितना पुल बने हुए मुरादाबाद के अंदर, जितना रोड बने हुए, सब अखिलेश की देन है। मैं विपक्ष से यह पूछना चाहती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उनके लिए उन्होंने शिक्षा की क्या व्यवस्था की है, बेरोजगारी की क्या स्थिति? बेरोजगारी पर तो इतनी बार बात हो गई है, आप कितनी बार बोलेंगे? पीछे हटिए। आइए, एक मिनट। ये कह रहे हैं समाजवादी सरकार में इतने काम हुए, युवाओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब युवा परीक्षा देता था, तैयारी करता था, परीक्षा देता था, और जब लिस्ट देखता था अपने नाम की नौकरी के लिए, तो एक समाज के लोगों की लिस्ट होती थी 100 के 100 पूरे, SC BC भेदभाव होता था, बिल्कुल भेदभाव होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, लिस्ट तय होती थी घर में बैठ के, ये कर किए होंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मेरिट पर हो रहा है, मेरिट पर हो रहा है, निष्पक्ष रूप से भर्तियां हो रही है, हर परिवार आप अपने आसपास के परिवारों में देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर लगा है। आप अपना नाम बताइए। गौरव श्रीवास्तव। गौरव
दिलीप श्रीवास्तव जी, आप पार्टी के कार्यकर्ता? बिल्कुल है। किसके? भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी कार्यकर्ता। ठीक है, आप आपने जो बात कही है, मैं जवाब लूंगी समाजवादी पार्टी के नेता से। आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए। हाँ, मैं देश रतन कत्याल। मेरा ये सवाल है कि अभी समाजवादी पार्टी बड़े दावे कर रही थी कि हमने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, और कांग्रेस के भी दावे हैं। जब तुम्हारे इतने दावे हैं तो तुम 10 साल से लगातार हारे आ रहे हो, पहली बात तो। और दूसरी बात कि आज आप गठबंधन करके, एक मिनट, ईवीएम भी हटेगी, रुको, ईवीएम हटेगी, लेकिन रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। आज आपके सामने देश का चुनाव हो रहा है और आपके पास एक चेहरा नहीं है, गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हो आप? ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।